सतना की कोलगवा कोतवाली पुलिस ने मध्यांचल बैंक में गैस कटर की मदद से चोरी करने का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक आरोपी बैंक के पास कियोस्क में काम करता है, जिसे बैंक के भीतर की पूरी जानकारी रहती थी। पूछताछ में पुलिस को और भी चोरियों का पता चला है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने पत्रकारों को दी। आपको बता दें कि 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात मध्यांचल बैंक में घुसकर चोरी करने की कोशिश की गई थी। आरोपियों ने गैस कटर की मदद से यहां की खिड़की को काटा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी शैलेंद्र त्रिपाठी और रोहित गुप्ता ने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, लेकिन दोनों आरोपी बैंक के भीतर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बैंक में 5 करोड़ रुपए रखे हुए थे, जिसकी जानकारी शैलेंद्र त्रिपाठी को थी। योजनाबद्ध तरीके से दोनों ओर लोगों ने बैंक में चोरी का प्रयास किया, और लेकिन एक दिन वह सफल नहीं हुए और दूसरे दिन जब वह गए तो भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने इसके पहले सिंहपुर में मध्यांचल ग्रामीण बैंक और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में भी चोरी करने की कोशिश की थी। इसके अलावा चोरी की अन्य घटनाएं भी पुलिस को पता चली हैं। सर, ये चोरी की जो घटना हुई थी, खुलासा किया है, कैसे चोरी की घटना का अंजाम देने का प्रयास किया था, तो कितने आरोपी पकड़े? जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, दिनांक 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात को मध्यांचल ग्रामीण बैंक में गैस कटर का जो प्रयोग करते हुए और मुखौटाधारी आरोपियों के द्वारा जो घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, उसको जो है पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और दो आरोपी शैलेंद्र त्रिपाठी और रोहित गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस घटना के साथ ही साथ में 2 अन्य घटनाओं में भी उनका शामिल होना सामने आया है। सिंहपुर में भी एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक में चोरी का प्रयास हुआ था और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ दिन पहले नकबजनी का प्रयास हुआ था। इन सभी घटनाओं को पुलिस ने ट्रेस किया है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा है। सर, इनका घटनाक्रम कैसे था, कैसे ये लोग रेकी करते थे, क्या तरीका था इनका? इसमें से जो एक आरोपी है शैलेंद्र त्रिपाठी, वो एक ऑनलाइन कियोस्क पे काम करता है और फॉर्म वॉर्म भरता है, लोगों के अकाउंट खुलवाने में मदद करता है। इसी की वजह से उसका उस बैंक में आना जाना था। वो पूर्व से परिचित था उस बैंक के कंडीशन से, आने जाने के रास्तों से, कौन कहाँ बैठता है, क्या करता है, उसने पूरी रेकी कर रखी थी। 2 तारीख को ही वहां पर वो गया। उसी दिनांक को उस बैंक का चेस्ट भरा गया था। उस चेस्ट में करीब 5 करोड़ रुपए रखे हुए थे, ये आरोपियों को जानकारी में था और इसी की वजह से उन लोगों ने वो डेट डिसाइड करके उस दिनांक को अपना आधा काम अंजाम दिया था। आधा काम उनको नेक्स्ट दिन संडे को करना था, परंतु वो विफल हो गए थे। सर, बैंक में उस दिन ज्यादा रकम भी थी, उसी दिनांक को चेस्ट भरी गई थी, वहां पे करीब 5 करोड़ रुपए होने का जानकारी हमको बैंक मैनेजर के द्वारा दी गई है और उस प्रयास की को विफल जो विफल हो गए उसको जो है ट्रेस किया गया पुलिस के द्वारा। बैंक के अलावा भी कोई अन्य आरोपी का? 2 आरोपी हैं, शैलेंद्र त्रिपाठी और रोहित गुप्ता, इन दोनों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।